एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। एक गांव था जो कई सालों से दुनिया से अलग था, यानी दुनियादारी जानता ही नहीं था। गांव के लोग कटे हुए थे दुनिया से। वो गांव जंगलों के बीचों बीच में था, जिसे हमारे भाषे में आदिवासी गांव बोलते हैं। उस आदिवासी गांव के लोगों को दुनियादारी से कुछ पता नहीं था। उनको जंगलों के बीच रहना, जंगल उनका दोस्त और जंगल के जानवर उनके साथ, और जंगलों के भरोसे उनकी जिंदगी चल रही थी। और कई पीढ़ियां वही जन्म ली, वही खत्म हो गई, इसके अलावा कुछ जानते ही नहीं थे। और एक दिन उस जंगल के कुछ जानवरों ने यह डिसाइड किया, यार ये जंगल कितना बड़ा है, हमें देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? जंगल कितना बड़ा है। तो कुछ जानवर आपस में बहस करने लगे, ये जंगल के उस पार क्या हो सकता है। किसी ने कहा, क्या हो सकता है, जंगल ही होगा, पेड़ पौधे होंगे, और क्या होंगे, हमारे जैसे जानवर खुले हुए। नहीं नहीं, किसी ने कहा, कुछ और भी तो होगा। अब उनमें बहस छिड़ गई कि जंगल के उस पार क्या है। तो कुछ कुत्तों ने हिम्मत दिखाई, बोले हम ढूंढेंगे। अब उन कुत्तों के साथ, आपको पता होगा ना, कुत्तों के एक कुत्ते ने भौं बोला था, सब भौं भौं करने लगते। तो कई कुत्ते भौं भौं, अरे हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। और उनके जोश को देख के कुछ गधे तैयार हो गए। गधे बोले, हम भी चलेंगे जंगल के उस पार, हमें भी जानना है जंगल के उस पार क्या है। ऐसे कुछ कुत्ते, कुछ गधे और कुछ प्राणी मिलके निकल पड़े जंगल के उस पार। कई दिन हो गया, वापस ही नहीं आए। महीनों बीत गए, वापस ही नहीं आए। अब जंगल के जानवर को चिंता हुआ, हमारे भाई, हमारे साथीदार कई दिन से गए हैं जंगल के उस पार देखने को, लौट के आए नहीं, पता नहीं जंगल के उस पार क्या है। अब शंका बढ़ गई, है क्या, है भी या चले गए दुनिया से। तो कुछ जानवर ने और हिम्मत की, कुछ नव युवक जानवर ने, नौजवान जानवरों ने बोले, हम अपने परिवार के सदस्य को ढूंढ के लाएंगे, हम जाएंगे उन्हें ढूंढने। और कुछ जानवर चले गए और कई दिन बीत गए, वो भी वापस नहीं आए। बड़ा आश्चर्य। अब जंगल में यह हुआ कि जानवर गायब हो गए, जाते तो हैं वापस। जानवरों ने कहा, अब कोई नहीं जाएगा, अब बस हो गया, जो गए गए। अब ये बात जंगल में फैली, आदिवासी लोगों को भी पता चली, क्योंकि अपने जानवर से प्यार करते थे, उन्हें उनकी भाषा समझती थी। और उस आदिवासी गांव के लोगों ने कहा, यार अपने जानवर गायब हो गए, कई दिन हो गए, महीने हो गए, आए ही नहीं। उस गांव के कुछ युवकों ने कहा, चिंता मत करिए, ये जानवर अपने हैं, हम इन्हें ढूंढ के लाएंगे। और कुछ युवक निकल पड़े जानवर को ढूंढने। और ये जंगल के लोग थे, ये अपने जानवर को अच्छी तरह से जानते थे। ये बोले, कैसे गए, चलो वैसे हम भी चलते हैं, किस रास्ते से गए उस रास्ते से हम भी चलते हैं। तो चले 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 जंगल में, उन्हें अपने जानवरों के पैर के निशान दिखाई दिए। और वो बोले, हाँ ये अपने जानवर के निशान है, चलो यही पकड़ के चलते हैं। और वो भी कई दिन चले गए, वो भी नहीं आए। गांव के लोग बड़े आश्चर्य, जानवर गए आए नहीं, अपने गांव के लड़के गए वो भी आए नहीं, कुछ तो खतरनाक है, कुछ तो उस पार है महाभयानक, अब कोई नहीं जाएगा ये, क्योंकि जो जाता है वापस आता नहीं है। और ये जो लड़के निकले थे, ये कई दिन चलते रहे चलते रहे, और उनको जंगल पे जीने की आदत थी, जो जंगल के फल फूल खा के जी रहे थे, जंगल में पानी कहाँ मिलता है इनको पता था, उसी तरह अपना जीवन करते हुए जी रहे थे और ढूंढ रहे थे। कई दिन चलने के बाद एक नई जगह से इनकी मुलाकात हुई, और ये जगह एकदम अलग थी। ये एक शहर में आ गए थे, एक सिटी थी। ये बड़े आश्चर्य में, ये कहां आ गए थे लोग, इतने लोग, इतनी यहां पे आवाज है, शोर गुल प्रदूषण है, ये कहां पे आ गए हम लोग। ये बेचारे भटक रहे थे शहर में, यहां वहां। एक भाई साहब को दिखाई दिए, वो भाई साहब एक एनजीओ में काम करते थे। उन्होंने उनको देखा, समझ के ये परेशान युवक है। उन्होंने उनसे पूछा, तो भाषा भी नहीं आती थी, हिसाबों में बात हुई तो पता चला इन्हें भूख लगी है। तो भाई साहब उनको अपने एनजीओ में लेके आते हैं, उनको वहां रखते हैं, कुछ खाने पीने को देते हैं। हिसाबों में बात करने से समझ में आया, ये जंगल से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, बहुत दिन पैदल चल के यहाँ तक पहुंचे हैं, और ये अपने जानवर को ढूंढ रहे हैं।
लेकिन उस शहर में उनको जानवर नहीं मिला। अब इस शहर देख के बड़े आश्चर्यचकित है, क्या दुनिया है यहाँ इस शहर की, गाड़ियां दौड़ रही है, लोग दौड़ रहे हैं, रात को भी अंधेरा नहीं, रात को भी उजाला, अद्भुत चीज है ये तो, अद्भुत जगह आ गए। अभी उस शहर को धीरे धीरे जानने लगे, कुछ दिन वहां की भाषा भी सीख गए, वहां भाषा सिखाया गया उस एनजीओ में इनको, और फिर इनको ये बताया गया आप वापस अपने गांव चले जाएंगे। इन लोगों ने कहा नहीं, हम बिना अपने जानवर के लिए जाएंगे नहीं। उन्होंने बोला जानवर कहाँ मिलेंगे सर, हम ढूंढेंगे, जानवर नहीं मिलेंगे। तो उस एनजीओ ने कहा आप ऐसे नहीं बैठ सकते हो, आपको अगर शहर में रहना है तो काम करना पड़ेगा। और उस एनजीओ ने इनको काम पे लगा दिया। अब ये काम करने लगे, काम करने लगे तो काम के बदले इन्हें पैसा मिलने लगा। अब उस शहर में कई दिन ये गुजारे, जानवर नहीं मिला, बहुत दिन रहे, काम करते पैसा मिलता, जीवन यापन चल रहा था। अब ये धीरे धीरे समझने लगे शहर को, और ये पता चला शहर ऐसा होता है जहां पे मेहनत करनी पड़ती, काम करना पड़ता, उसके बदले पैसे मिलते, उस पैसों से अनाज खरीदा जाता, उस पैसों से फल फ्रूट खरीदा जाता, उस पैसों से जीवन चलता है। अब इन्हें पैसे का महत्व पता चला, ये बोले हमारे जंगल में तो सब फ्री मिलता है, बोले जंगल में मिलता यहाँ नहीं मिलेगा। अब ये उस शहर में रहने लगे और धीरे धीरे वहां के लोगों के बीच घुल मिल गए और एक अलग जिंदगी जीने लगे। अब इसमें से कई दिनों के बाद कुछ लोगों को अपने गांव की याद आई, बोले यार हमारे गांव के रिश्तेदार, हमारे माँ बाप भाई बहन है, चलो उनके पास चलते हैं। और फिर कुछ युवक वापस अपने गांव गए, कई महीने चल के फिर गांव पहुंचे तो गांव के लोग देख के बड़े प्रसन्न हुए, बोले तुम थे कहाँ, बहुत खुशी हुआ, आगे हमारे बच्चे, आगे आगे हमारे बच्चे, पूछे जानवर कहाँ है, बोले नहीं पी, कहाँ गए थे, बहुत दूर गए, क्या था। फिर इन्होंने शहर का वर्णन किया, ऐसा अद्भुत शहर जहाँ पे लोग काम करते हैं, पैसा कमाते, पैसों से सामान खरीद के जीवन जीते, पता है वहां रात को भी उजाला होता है, गाड़ियों पे लोग चलते हैं, बड़ा अद्भुत लगा। गांव के कई लड़के बोले भैया हमें भी ले चलो, हम भी शहर देखना चाहते हैं। और उस दिन से उस गांव का और शहर का रिश्ता जुड़ गया। अब ये युवक अपने कई साथियों को लेके गांव को आगे वापस शहर काम करने लगे, पैसे कमाने लगे, फिर गांव जाने लगे, आने लगे, शहर और गांव का आना जाना शुरू हो गया। कुछ दिनों के बाद इन्हें पता चला हमारे कुछ अधिकार होते हैं, एक सामाजिक रूप से रहने के लिए हमें कुछ अधिकार मिला है। अब इन्हें ये पता चला हमारे कुछ अधिकारों का हमें आज तक कुछ फायदा नहीं हुआ। अब ये पहुंचे अपने प्रतिनिधि के पास, ये विधायक के पास पहुंचे, सांसद के पास पहुंचे, बोले सर हमारा गांव सदियों से उस जंगल के बीच है, ना लाइट है, ना पानी है, ना रास्ता है, हमें भी हमारा अधिकार दो, हमारे गांव में बिजली का बंदोबस्त किया जाए, हमारे गांव में सड़क बनाई जाए। अधिकारियों ने इनकी बात सुनी, मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पास हुआ, विधानसभा लोकसभा में इनकी आवाज गूंजी, ऐसा कैसा शहर है देश में, आज भी ये हमारे लोगों के बीच से जुड़े हुए नहीं है, तुरंत फाइल पास हुई, इस गाँव में पक्की सड़क और बिजली के खंभे लगाए जाए। और इंजीनियर का दल भेजा गया, और इंजीनियर आया उस गांव में, उसने कहा आपके लोगों ने आंदोलन किया है यहाँ पे सड़क और बस बिजली बनाने के लिए, और आपका आवेदन पास हो गया है, तो मैं सर्वे करने आया हूँ आपके यहाँ पक्की सड़क कैसी बनाई जाए। लोग बड़े खुश हुए, वाह अब सड़क बन जाएगी, हमारे गांव में भी गाड़ी आएगी, जो शहर की सुख सुविधाएं है हमारे गांव में आएगा, वाह आनंद ही आनंद हुआ। सारे गांव के लोग इकट्ठा हुए, बोले साहब इस रास्ते को बना दो, ये पगडंडी जो है ना यही है, यही गांव से सड़क जाती है, इसी को पक्का कर दो तो गाड़ी मोटर यहीं से आएगी। उस इंजीनियर ने कहा आप क्यों जिद कर रहे हो, इसी को बनाओ, नहीं सर इससे बड़ा जुड़ाव है हमारा, ये पगडंडी हमारा सहारा, यही हमें जोड़ती है शहर से। फिर एक बुजुर्ग आए, बोले साहब एक चीज बताओ, हमारे गांव में कई साल पहले कुछ जानवर गायब हो गए जंगल के, कुछ कुत्ते और गधे चले गए और वो वापस नहीं आए, उनको ढूंढने के लिए और जानवर चले गए, वो भी वापस नहीं आए। और उसके बाद कुछ युवक निकले अपने जानवर ढूंढने के लिए, जानवर तो आज तक मिले नहीं, लेकिन इन्हें शहर मिल गया, सिटी से कनेक्ट हो गए, और तब से हमें पता चला दुनिया में सुख सुविधाएं भी होती है, दुनिया में इतनी अद्भुत चीजें भी है, नहीं तो हम जंगल के अंदर पड़े हुए लोग थे। सब यही रास्ता है जो जोड़ता है, हमारी लगाव है, भावनात्मक रिलेशन है, इसे पक्की कर दो।
इंजीनियर हंसता है, बोलते दादा बात तो तुम सही कर रहे हो, लेकिन पता है इस रास्ते से चल के जाओगे तो 600-700 किलोमीटर बाद ये सड़क को जोड़ेगा। आपकी जंगल में आने से पहले मैंने जो सर्वे किया तो उसमें ये देखा, गांव के पीछे एक छोटी सी पहाड़ी है, अगर उस पहाड़ी से जाओगे ना तो 100 किलोमीटर ही सड़क आ जाएगा, इतना लंबा चलने की जरूरत नहीं है। उस दादा ने कहा सर हमें पता ही नहीं, हमें तो यही रास्ता पता है ना, इसीलिए इसके बात कर रहे हैं, हमें क्या पता वहां से भी सहम जाता है। वैसे हम आप लोग हैं, एक ही रास्ता पता है, क्योंकि बचपन से माँ बाप ने, परिवार ने, पड़ोसी ने, रिश्तेदारों ने एक ही चीज बताई, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, अच्छी नौकरी कर, अच्छी नौकरी कर, बाकी कुछ नहीं बताया। एक ही रास्ता बताया हमें, एक ही रास्ता है जिंदगी में कामयाब करने का, वो रास्ता था नौकरी करने की, पढ़ाई करने की। मेरे दोस्त समय बदल चुका है, उस गांव की तरह आप भी आंख में पट्टी बांध के मत बैठे रहिए, आज समय बदल चुका है, 4-6% लोगों के लिए नौकरियां अवेलेबल है, बाकी लोगों को अपनी जुगाड़ खुद ही करनी पड़ेगी। तो आपकी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए एक और माध्यम है जिसका नाम है MII। एक माध्यम है, लेकिन दुर्भाग्य हमारा सालों से बचपन से दिमाग में एक ही बात बिठा दी गई है, और हर इंसान इस बिजनेस को सबकी निगाह से ही देखता है या नहीं है, लेकिन नौकरी को सबकी निगाह से नहीं देखेगा, बाकी काम धंधे को नहीं देखेगा, लेकिन इसी को देखेगा, क्योंकि हमें दूसरा रास्ता पता ही नहीं है। आज माई लाइफ स्टाइल क्या कर सकती है, माई लाइफ स्टाइल कैसे जिंदगी बदल सकती है, तो ये जो लीडर बैठे इनसे पूछिए, बताइए आज इनकी जिंदगी बदली है क्यों, क्योंकि इन लोगों ने इस नए विकल्प को चुना और इस नए विकल्प ने इनकी जिंदगी को बदल के रख दिया है। तो आप में से कितने लोग इस नए विकल्प को सीरियसली काम करना चाहेंगे, क्योंकि आप भी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, चाहते हैं ना सीरियसली, वाले भगवान को सभी लोग करना चाहते हैं। तो माई लाइफ स्टाइल का रास्ता सबको लगता है ऐसा होगा, कितना अच्छा लगता है ना रास्ता, ये रास्ता हमारे GTS में बताया जाता वो है, या पहले बात जो लीडर्स बताते वो है। जब आप बिजनेस में नहीं आते तो सबको लगता है रास्ता ऐसा है, लेकिन हकीकत कैसा है, रास्ता ऐसा है। कौन सा रास्ता आपको ज्यादा अच्छा लगता है, ये वाला या ये वाला, कौन सा अच्छा लगता है, ये वाला ना, ये एक्सप्रेस हाईवे है, ये आपको दिल्ली जल्दी पहुंचाएगा, मुंबई जल्दी पहुंचाएगा, सही बात है ना, लेकिन ये रास्ता आपके लिए नहीं है, ये रास्ता एक लीडर के लिए, NTC, CTC, ITC के लिए है, ये रास्ता हर्षवर्धन सर के लिए है, ये रास्ता संजय सर के लिए, ये रास्ता हीरालाल सर के लिए है, लेकिन आपका रास्ता अभी ऐसा ही है। आपका कैसा है, क्योंकि जितनी भी एक्सप्रेस हाईवे बनी है पहले ऐसी थी, बाद में वैसी बनी ना, तो पहले आपको इसमें चलना पड़ेगा, अगर इसमें चले तब आपका रास्ता वैसा बनेगा। कितने लोग इसमें चलने के लिए तैयार हैं, चल झूठे चलने के लिए तैयार है, कितना दिन चलेगा इस रास्ते पे, सच बताओ, 10 साल, धन्य प्रभु, अगर 10 साल चल गए ना, सच बताता हूं बड़ा काम हो जाएगा। लोग 2-4 दिन चलते इस रास्ते पे, 2-6 महीने चलते हैं, बोलते बस बहुत मुश्किल रास्ता है ये। आप कभी ऐसे रास्ते पे गाड़ी चलाए, 2 व्हीलर, मजा आता है, पहले 10 मिनट मजा आता है, अब उसके बाद अगर पीछे कोई बैठा है ना तो चिल्लाएगा, धीरे चला, दिक्कत नहीं है, धीरे चला, आप बोलते धीरे ही चला रहा हूं, वो गड्ढा ही इतना बड़ा है कि जोर से लग रहा है, है या नहीं है। और उस रास्ते में 2-4 बार जाने के बाद अगले बार आप खुद ही बोलोगे इस रास्ते से नहीं जाऊंगा मैं, बहुत बेकार रास्ता है, कमर की ऐसी तैसी हो जाती भी है। अगर जिन लोगों को
कामयाब चाहिए, बड़ी कामयाबी चाहिए तो शुरू में अपनी ऐसी तैसी करनी ही पड़ेगी। सब बता रहा हूं, मैंने पहले कहा मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूं, मुझे हवाई बातें नहीं आती है। चलने के लिए तैयार हो? यस। अब बताओ कितने लोग चलोगे? यस। अरे आप बहुत ज्यादा हाथ खड़े हो गए, पता नहीं तुम झूठ बोल रहे हो कि मैं बोल रहा हूं। जो इस रास्ते पे चलेगा उसी के लिए है सफलता के सूत्र, बता दो। ये सफलता के सूत्र जो मैं बताने जा रहा हूं, ये मेरे करियर के 20-22 सालों के अनुभव में आपके सामने बताने जा रहा हूं। 20-22 साल से मैं डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री में हूं, और जैसे मैंने कहा मैंने 96 में देखा बिजनेस की शुरुआत की, और एक कंपनी के साथ में एसोसिएट हुआ जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में था, और मैंने कुछ दिन यानी करीब 2.5-3 साल वहां पे काम किए, ज्यादा लंबा काम नहीं किया मैंने, लेकिन उन 3 सालों में ही मैं इस इंडस्ट्री को लेके दुखी हो गया, और दुखी हो गया तो बिजनेस मैंने छोड़ दिया। 3 साल मैंने ये बिजनेस फुल टाइम किया। उस समय जब मेरा करियर बनने वाला था, मैंने जस्ट में अपना ग्रेजुएट किया था, पोस्ट ग्रेजुएट एमकॉम की तैयारी कर रहा था, साथ में मैं एमबीए का एग्जाम ले रहा था, तभी मुझे ये बिजनेस मिला, और इस बिजनेस के चक्कर में मैंने अपना एमबीए नहीं किया। मुझे एडमिशन भी मिला लेकिन मैंने नहीं किया। मुझे ये लगा कि बिजनेस सच में बड़ा करिश्मा करने वाला बिजनेस है, और 3 साल मैंने फुल टाइम काम करने के बाद इस बिजनेस में मैं पूरी तरह से नेगेटिव हो गया। नेगेटिव इसलिए हुआ क्योंकि मैंने पैसे नहीं कमाए, और मैं नहीं कमाया वहां तक ठीक था, मेरे घर वाले वो बोलना शुरू किए तू गलत काम कर रहा है, जहां से पैसा नहीं आता है उस काम को कितने दिन करेगा, हो गया ना 2 महीने 4 महीने 6 महीने, पागल तूने 3 साल दे दिए। और फिर हमें उदाहरण दे के समझाया जाता है, देख तेरे साथ और पढ़ने वाला लड़का आज 25,000 के जॉब पे लगा है, उस वक्त 20-25,000 मैंने बड़ी कीमत थी भाई, और तू क्या कर रहा है। और फिर मुझे लगा यार सही बात है, ये नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग अमेरिका यूरोप में हो सकता है, अपने देश में चलने वाला, ये मेरी भी सोच बन गई, और मैंने डायरेक्ट सेलिंग की ओर हमेशा के लिए बाय बाय किया उस वक्त, ये बात है करीब 2000 की। और 2000 साल में मैं इस इंडस्ट्री को छोड़ के मैं अपने ट्रेडिशनल काम के लिए निकला, मैं सोचा कुछ दूसरा बिजनेस करूंगा, क्योंकि मेरी मानसिकता मैंने बनाई थी कि मुझे जॉब नहीं करना है, मैं नौकरी नहीं करूंगा। फिर मैंने छोटे छोटे बिजनेस किए, पूंजी थी नहीं, यहाँ वहां से पूंजी जमा की, एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला था वो भी ज्यादा दिन चला नहीं, फिर मैंने एक स्टडी पीसों की दुकान लगाई, पता आपको कम्युनिकेशन 1 रुपया डाल के फोन लगता था, कितने लोगों ने लगाया ऐसा 1 रुपए की कॉइन, क्या बात कर सब मेरे मान के बैठे हो क्या, पता था ना 1 रुपया डालने का, हेलो 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 नहीं आया तो डब्बा बजा देगा, 2 कॉइन आता था भाई, देखा आपने। और रात को एसटीडी लगती थी 8 बजे के बाद आधा, 10 बजे के बाद क्वार्टर आधे का, वो क्वार्टर नहीं वो वाला, देखा था ना आपने, वो काम भी किया मैंने, उसमें भी काम नहीं बना। फिर मैं रियल एस्टेट एजेंट बना, मैं प्लॉटें बेचता था या हमारे यहाँ फ्लैट्स बिकते, फ्लैट बेचता था, लेकिन मुझसे किसी ने खरीदा नहीं, मैं बेच ही नहीं पाया। फिर मेरा एक दोस्त मुझ में तरस खा के बोला राजेश तू आजकल क्या कर रहा है, बोला कुछ नहीं है मजा नहीं आ रहा है, उसने मुझे LIC का एजेंट बना दिया, मैं LIC का एजेंट बन गया। वो बात अलग है कि आज तक मैं किसी की पॉलिसी नहीं निकाल पाया, ये नहीं कि LIC बेकार है, मुझे नहीं आया, मेरी पॉलिसी कोई और निकाला, मुझे नहीं आया। रियल एस्टेट में फेल, LIC में फेल, होटल में फेल, कम्युनिकेशन सेंटर में फेल, फिर एक गिफ्ट आर्टिकल की दुकान चालू की अपने दोस्त के साथ, वो भी नहीं चला, वो भी फेल, ऐसे तमाम छोटे छोटे काम में ना कोई भी काम ना 1.5 साल 1.5 साल में बंद चलता ही नहीं था, और मेरे जिंदगी के 4-5 साल चले गए, और फिर मेरे घर पे द्वंद युद्ध होने लगा, युद्ध समझता हूँ मुझे लेके, और मैंने मुझे लेके मेरे माँ बाप को झगड़ते हुए देखा। मेरे पिताजी बोलते थे तेरे वजह से बर्बाद, मेरी माँ बोलते थे तुम उसे सुधारो, तो बाप बोलते है तो मेरा सुनता ही नहीं है, तो माँ बोलती मेरा कौन सा सुनता है, ये गड़बड़ था मेरे यहाँ। और जब माँ बाप लड़ते थे तो मैं घर से बाहर निकल जाता था, तुम लड़ो ये मेरी लाइफ है, बहुत मुश्किल लाइफ है,
और इतने काम हमने किए ना, तो आप सोच लो, जो भी यहाँ बिजनेसमैन बैठा हो अच्छे से जानता है, अगर आप किसी भी बिजनेस में पैसे नहीं कमाते हो तो पैसे गवाते हो। मैंने भी गवाए, और मैंने थोड़े गवाए, बहुत ज्यादा नहीं गवाए, लेकिन पता नहीं हो कैसे बहुत ज्यादा हो गए। लिए थे मैंने 8-10 लाख, उतना भी नहीं होगा, कभी होगा 7-8 लाख ही होगा, लेकिन अब कब बढ़ते बढ़ते 24-25 लाख हो गया मुझे नहीं पता चला, और ये समझने में बहुत वक्त लगा। और तब मुझे लगा कि दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ कोई है तो मैं। उसके पहले लगता था दुनिया का सबसे शाना मैं, क्योंकि मेरे अंदर एक कलाकारी थी लोगों से पैसे मांगने की, बड़ी कलाकारी थी, देने की नहीं थी। और जब आप किसी से लेते हो ना, मैं लिख के देता हूं, तेरा कितना भी अच्छा दोस्त हो, एक दिन उधार ले ले 20,000 ले ले, और उसको बोल 10 दिन में देता हूं, और मत दे 10 दिन के बाद। वो तेरा सबसे अच्छा दोस्त तेरा जीना खराब कर देगा। मेरे साथ भी वही हुआ, मैं तो यहां वहां से लोन उठाता था, छोटे छोटे लोन, बीसी समझता हूं, बीसी चलती यहां पे, क्या बोलते हैं उसको, सोसाइटी भी कुछ लोग बोलते हैं, उसमें बोली लगती थी, ऑप्शन होता था कि कितने के इसको डिस्काउंट पे मिलेगी। मैं सबसे ज्यादा बोली लगा के बीसी उठाया, वो बाद में बोलते थे तू पागल है, इतना महंगा कैसे देगा, तू पहले दे दे, मेरा देने का है तो देखूंगा। मैंने 3-4 टके से पैसा लेना शुरू किया था, 3-4 टके से, तो नेटवर्क इंडस्ट्री में आया भी इसी वजह से। वो भी बताता हूं, मेरे एक दोस्त ने जिससे मैं पैसा लिया था, इस मैनेजमेंट के साथ उसी ने जोड़ा मुझे, उसके बीच में आउट था, वो मेरा फाइनेंसर था, वो रिलायंस कंपनी में जॉब करता था, मिस्टर पिल्ले के, और मुझे 3 टके से पैसा देता था, और 3 टके से लेने की आदत लगी। पता नहीं कब मैं 7-8 टके से बढ़ते बढ़ते 10 टके तक गया हूं। सोच के देखो, मैं फिर हाथ जोड़ के बोलता हूं, जो ये काम कर रहे ना, प्लीज बंद कर दो, आप अपने आप को होशियार मत समझो जैसा मैं समझता था। ये बहुत समय के बाद पता चलता है, एक खड्डे के चक्कर में तुमने 10 खड्डे बना दिए, और उसी खड्डे में कई लोग दफन भी होंगे। मेरा नसीब अच्छा था, ऊपर वाले का आशीर्वाद था, माँ बाप का सहयोग मिला, उनके आशीर्वाद से मैं बाहर आया और ऐसी ग्रेट मैनेजमेंट के साथ जुड़ा कि मेरी दुनिया बदल दी इसने। ये बहुत कम लोगों के साथ होता है। तो मैंने वो दिन देखे हैं, मैं हमेशा बोलता हूं, मैं हर स्पीच में मेरा एक वाक्य होता है, जब तक तेरे जेब में नोट है दुनिया तुझे सलाम करेगी, और जब तेरा जेब खाली होगा ना, दुनिया छोड़ो, अपने घर में अपनी कोई कीमत नहीं है। दिस इज द फैक्ट। और 2023 में तो ये बहुत बड़ी सच्चाई है, अगर आपके पास पैसा नहीं है आप किसी काम के नहीं है। तुम कितने भी अच्छे इंसान हो, कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने भी ज्ञानी हो, लेकिन जेब खाली है ना, तू सबसे बेकार आदमी है। और ये मैंने फील नहीं किया, मैंने महसूस किया, देखा है। मेरे जेब में 10 रुपए भी नहीं होते थे, बहुत मुश्किल वक्त था मेरे लाइफ का, और मानने वाले बहुत लोग थे। तब मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है मुझे, और मेरे घर में रोज मुझे लेके झगड़े, खास करके अपने दोस्त रिश्तेदार, और सबसे डेंजर अपने रिश्तेदार होते, सच बताता हूँ, देते कुछ नहीं, ज्ञान बहुत देते, तुझे क्यों ये सब करने की जरूरत थी, तू पढ़ा लिखा आदमी है, क्यों ये सब झमेले में पड़ता है, और कभी मदद नहीं करते थे। मेरा तो आदत था, जो ज्ञान दिया उसी से मांगा, ला 2 लाख देता हूँ 6 महीने में, ब्याज लगा ले रहे, बोलता मेरे पास नहीं है तो कहीं को ज्ञान दे रहे, छोड़ना तुझसे अच्छा तो मैं हूं, देख इतना लेके आया, तू भी लेके आ कहीं, मैं तो लोगों को बताया तू 3 टके से ना मुझसे 4 टका ले ले, बीच में 1 टका कमा, मैं खुद दूंगा तुझे, कमा तू, तू ला तो फिर तू मुझे ढूंढेगा, मैं जानता हूं। और दो ही रास्ते मुझे पास थे, एक जिसका लिए ईमानदारी से दे दो, और नियत हमेशा ये होनी चाहिए, वो भी बताता हूं, अगर नहीं दे पाओ किसी भी तरह से, देने की नियत है लेकिन आज समय ठीक नहीं, आज नहीं दे पाता, तो दूसरा काम करो जो मैंने किया, उसको मिलो ही और क्या कर सकते हो बताओ। लेकिन ये 4 टके वाले का देने के चक्कर में 6 टके का ले लेते, ये गलती मत करो जो मैंने किया।
और फिर मैंने घर से मुझे वार्निंग मिली, राजा साहब बस कर नाटक, तेरे 8-10 साल जिंदगी के बर्बाद हो गए, तू पागल MBA भी नहीं किया, ये सब क्या करने लगा, तू अब नौकरी कर, जॉब पकड़। और सच बताऊं तो मैंने कसम खाई थी नौकरी नहीं करूंगा, मैंने अपनी कसम तोड़ी, क्योंकि मैं भीष्म पितामह नहीं। मैंने अपनी जॉब पकड़ी, नौकरी करने लगा। और जॉब करते करते मिस्टर पिल्ले के माध्यम से मैं मिला एक व्यक्ति को जिसने मुझे ये बिजनेस बताया, और उस व्यक्ति का नाम है हमारे फाउंडर लीडर फाउंडर डिस्ट्रीब्यूटर माननीय श्री दयानंद सर, बोलते हैं जिनसे। और उनसे मेरी जब मुलाकात हुई तो ये नहीं कि आज बताया मैं जुड़ा नहीं, आप जितने लोग मिलके सवाल पूछते हो ना उससे ज्यादा मैंने उनसे पूछा। और 1.5 साल का समय करीब करीब मेरा गया, मैं 1.5 साल उनको बहाने दे रहा था, सब अभी उनको बाद में देखता हूँ, बताता हूँ, सोचता हूँ, बिजनेस नहीं किया। और 1.5 साल के बाद मैंने उनके साथ के कुछ लोगों को पैसे कमाते हुए देखे, और तब मुझे लगा यार सच में इसमें पैसे हैं। मैं एक बार फेल हुआ तो जरूरी नहीं दोबारा भी फेल हो जाऊं, उस वक्त की सिचुएशन अलग थी, आज की अलग है। अगर ये आदमी जिसको हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती है, तमिलनाडु के चेन्नई से मद्रास से उठ के मुंबई आता है, और मुंबई में एक एक दो दो लोगों को मिल मिल के ये बिजनेस बताता है, और एक एक दो दो आदमी से ये काम शुरू करता है, और 1.5 साल में इसके साथ के लोग हफ्ते का 10,000-20,000 कमावे, महीने के 40-50,000 कमावे, और मैं सोच रहा हूँ ये चलेगा कि नहीं। और तब उस बुद्धि को उस परम पिता परमात्मा ने सोच दी मुझे, और उस गणपति बप्पा को धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे ये बुद्धि दी कि यार एक बार तो बिजनेस करना चाहिए। और मैंने बिजनेस शुरू किया, और फिर मेरी सेकेंड इनिंग शुरू हुई नेटवर्क इंडस्ट्री में, जॉब के साथ किया। पहले 3 महीने मैंने पार्ट टाइम किया, और 3 महीने बाद मैं नौकरी छोड़ के फुल टाइम बिजनेस करने लगा, और तब से लेके आज तक मैं यही काम कर रहा हूँ, इसी मैनेजमेंट के साथ हूँ। और आज मेरी पूरी दुनिया बदल चुकी है, जब मेरे जेब में 10 रुपए नहीं होते थे, और आज मैं महीने के कई लाख रुपए कमाता हूँ, और ये इस बिजनेस की खातिर है। यानी मेरा ये कहना है कि इतनी मुश्किल हालात में भी मैं ये बिजनेस कर सका, तो आप लोग तो बड़े आसानी से कर सकते हो। क्या लगता है आप लोग कर सकते हो या नहीं कर सकते? तो मैंने कैसे किया, उसी का एक मैं कुछ सफलता का सूत्र आपको बताने आया हूं। ये सक्सेस फॉर्मूला है क्या, जो सीक्रेट ऑफ सक्सेस आप जानना चाहते हैं, ये क्या है? ये सफलता का सूत्र जो बड़ी मुश्किल से मैंने खोजा है अपने अनुभव से, ये करना है। दिखाई दे रहा है आपको क्या लिखा है इसमें? थोड़ा सा बड़े पे चलते फिर आपको दिखाई देगा। ये एक सूत्र है, आपने कई सूत्र पढ़े होंगे ना अपने स्कूल कॉलेज में, केमिस्ट्री के सूत्र पढ़े होंगे, फिजिक्स के पढ़े होंगे, मैथमेटिक्स के सूत्र पढ़े होंगे।